गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हर मसले पर कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाए, हमारी बुराई करने से उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांडे जाने पर कहा उनका स्वागत है। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस अपने कार्यकाल में बढ़े दुष्कर्म की रिपोर्ट पर धरने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल रहे हैं। बढ़ रहे रेप के मामलों पर गृहमंत्री ने कहा, हम दोषियों पर हर हाल में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प प्रदेश का विकास है। कांग्रेस को अपना काम लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, हमारी बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। जा सकते हैं, स्वागत है उनका, हमारा जिला है, वंदन है, अभिनंदन है। मारे कहां तक झूठ बोलेंगे ये इसकी सीमा नहीं है, इन्होंने सीमा ही निर्धारित नहीं की है इसकी, कि घरों तक झूठ बोलती हुए जाएंगे। संकल्प निकालने के पहले जवाब दें, अभी संकल्प में फिर लिख दिया है कि हम आएंगे दोबारा तो फिर कर्जा माफ करेंगे। ये क्यों नहीं लिखा कि तब क्यों नहीं किया था, और तब कर दिया था तो अब क्यों कह रहे हो कि करेंगे? छोटी सी बात है, और फिर आ जाएंगे सरकार में तो कह देंगे खजाना खाली है, रटी रटाई बात होगी इनकी। अब 15 महीने में इनने क्या किया है ये बोल के जाए ना जनता के बीच में, तब तो लगता है कि हाँ भाई कांग्रेस के नेता हैं ये, अपने 15 महीने के काम को लेके जा रहे हैं। हमारी आलोचना करो जाके, हमारी बुराई करो, हम कैसे हैं ये हम 15 साल शासन के बाद भी जनता को बता चुके, और कांग्रेस से ज्यादा वोट आए हमारे 15 साल सरकार के बाद में। एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, तुम तो 15 महीने नहीं संभाल पाए अपनी सरकार, खुद के बोझ से ही भरभरा के गिर पड़े। अरे आप अपना काम बताओ और जनता के बीच जाओ। घटना कहीं भी घटे, कोई भी लापरवाही करेगा वो कितना भी बड़ा हो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये जो घृणित और विकृत मानसिकता है इसको तो हम सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।